देश और दुनिया की ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीकांत, आप देख रहे हैं नेशनल थॉट्स। हमारे बीच में दिल्ली के केशवपुरम जिले के महामंत्री मंजीत सिंह जी हैं। मंजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मंजीत जी। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो एक मंशा दूसरे पक्ष की है कि इसमें सर्वे नहीं किया जाएगा, जरूरत से ज़्यादा लोग यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए उस दिन आ गए और आज फिर भी लगातार वहाँ पर लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं। आज के इस दौर में ये एक फैशन हो गया है कि कोर्ट और संविधान का विरोध करना। आप पिछले एक या दो वर्ष की गतिविधियाँ देखें तो पहले NRC और CAA का विरोध भीड़ तंत्र ने किया, उसके पश्चात बिल्कुल ज्वलंत उदाहरण दिल्ली में कल अतिक्रमण, सरकारी भूमि पर जो अतिवादियों ने कब्जा कर रखा है उसको छुड़वाने के लिए जब प्रशासन और MCD की टीम दिल्ली के शाहीन बाग में गई तो वहाँ भी भीड़ ने सरकार और प्रशासन का विरोध किया और उनको बैरंग लौटना पड़ा। इसी प्रकार भीड़ ने कृषि कानून का विरोध किया। तो ज्ञानवापी सर्वे केस में भीड़ ने वहाँ गई कमिश्नर और प्रशासन की टीम को हूटिंग करके वापस भेज दिया, तो ये नई बात नहीं है। अब सवाल मेरी तरफ से ये उठता है कि देश भीड़ तंत्र से चलेगा या संविधान से चलेगा? जी, सवाल सीधा सीधा है कि संविधान को मानना देश के हर नागरिक की नैतिक जिम्मेवारी है, लेकिन अगर कोई पक्ष इसमें धर्म की आड़ लेकर कानून की अवहेलना करेगा तो देश उसे किस नज़रिए से देखेगा, यह तो भविष्य के गर्भ में छुपा है। लेकिन अब एक और सवाल जानना चाहेंगे कि मंजीत जी, क्या लगता है कि ज्ञानवापी मस्जिद का जो मामला है अब दिल्ली तक पहुंचने लगा है, आप लोगों के भी जहन में यह मामला उठने लगा है कि आखिरकार वहां हो क्या रहा है? निश्चित तौर पर न केवल दिल्ली में बल्कि पूरे देश में इस पर क्रिया और प्रतिक्रिया आ रही है। अदालत ने संविधान के अंदर एक आदेश दिया कि जिसको मस्जिद क्या कहा जा रहा है वहाँ पे ज्ञानवापी सर्वे होना चाहिए और इसका अदालत ने नाम भी दिया है ज्ञानवापी सर्वे केस। और उस केस की वीडियोग्राफी सर्वे के लिए जब कमिश्नर की टीम जाती है साथ में कैमरामैन, फोटोग्राफर और केवल वादी और प्रतिवादी दोनों पक्ष के लोग अपने अधिवक्ताओं के साथ पहुंचते हैं, फिर जब सब कुछ इतना ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता के साथ काम हो रहा है तो क्या कारण था कि भीड़ वहां एकदम से इतनी इकट्ठी हो गई? आम तौर पर जुम्मे के दिन जितनी लोग वहां नमाज करने के लिए पहुंचते हैं उससे 3 या 4 गुना लोग पहुंच गए, तो ये कोई सोची समझी साजिश है जिसका पर्दाफाश होना चाहिए और भीड़ तंत्र के माध्यम से संविधान को दबाने की कोशिश की जा रही है। मैं इसका विरोध करता हूं। मुस्लिम पक्ष के लोगों का मानना ऐसा है कि सरकार बार बार जो है मुस्लिमों की तरफ, मुस्लिमों को टारगेट कर रही है, क्या कहना है इस पर? ये सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है जी। ये मेरी 5 बहनें रेखा, लक्ष्मी, मंजू, सीता ने ये केस अदालत में उठाया और अपनी पूजा करने की पद्धति का अधिकार मेरी बहनों ने मांगा और उनकी भावनाओं को समझते हुए अदालत ने वीडियोग्राफी और सर्वे के लिए कमिश्नर नियुक्त किया। अब देखिए, कमिश्नर अदालत नियुक्त करती है और कमिश्नर वादी और प्रतिवादी दोनों पक्ष के साथ मंदिर परिसर में जाते हैं और साथ में उनके वादी और प्रतिवादी के अधिवक्ता साथ में हैं, तो इसमें सरकार की भूमिका नहीं है। ये सीधे सीधे अदालत के आदेश पे वीडियोग्राफी और सर्वे हो रहा है जिसका विरोध प्रतिवादी पक्ष कर रहे हैं, मुस्लिम समाज के लोग कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, सच को आज कैसी? अगर वहां मंदिर था, वहां पर अभी भी भगवान हनुमान, गणेश, नंदी,
के मूर्ति स्थापित है और अगर वो वीडियो सर्वे होता है तो किसी को क्या विरोध हो सकता है। ये केवल इन पांच बहनों के द्वारा दिया गया अपील नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं 1992 तक उसी गौरी श्रृंगार मंदिर में पूजा पद्धति हिंदू समाज के लोग लगातार नियमित रूप से करते आ रहे थे। 1992 में पूजा पर वहां प्रतिबंध लगा। क्यों लगा? ये तो अब केस अदालत में आया है और अदालत के फैसले का विरोध कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ भीड़ के लोग कर रहे हैं, इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं। जहां तक मैं समझता हूं आप ताजमहल की बात कर रहे हैं या मथुरा की बात कर रहे हैं, हिंदुओं के जितने भी आस्था के प्रतीक थे, केंद्र थे, उन सबको कहीं ना कहीं इतिहास में अतिवादियों ने अतिक्रमण किया, तोड़ा गया है, उनको ध्वस्त करने का प्रयास किया है। लेकिन इमारतें या बिल्डिंग टूटी लेकिन लोगों के मन नहीं टूटे, लोगों की आस्था नहीं टूटी और ये आस्था प्राचीन भारत से लेकर आज तक प्रज्वलित होती आ रही है, पहले से ज्यादा लोग के साथ प्रज्वलित है। निश्चित तौर पर हिंदुओं में आज अपने धर्म के प्रति आस्था और पवित्रता ज्यादा है। इसका सीधा सीधा कारण क्या कि आज हिंदू समाज जातिवाद से ऊपर उठकर हिंदू के रूप में सोच और विचार कर रहा है। केवल इतना सी बात है, जो सेक्युलर लोगों को तथा कथित सेक्युलर पॉलिटिकल पार्टीज को चीज पच नहीं रही है कि हिंदू हिंदू के रूप में सोचने लग गया है। अब वो दलित क्षत्रिय